दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की हम लोग जीरो से हीरो स्ट्रेटजी ट्राई करने वाले हैं। मैंने चार लॉट ऐड किए हैं, मार्जिन लगाया 11,220 के आसपास। अगर हम लोग 5 मिनट आगे स्क्रॉल करते हैं तो हमें लगभग 4,800 का प्रॉफिट होगा, और 5 मिनट आगे जाएंगे तो 5,000 का प्रॉफिट होगा दोस्तों। उसके बाद में और जाएंगे तो 8,500 का प्रॉफिट, और देखिए 12,000 के आसपास प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे देखिए 14,000 के आसपास प्रॉफिट मिला है। ये स्ट्रेटजी अगर आपको देखनी है और सीखनी है तो वीडियो को आगे पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ट्रेड ट्विश, और मैं उम्मीद रखता हूँ आज का आपका जो दिन है वो प्रॉफिटेबल हुआ होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने आज आपके लिए बैंक निफ्टी में एक एक्सपायर्ड की स्ट्रेटजी लाई है जहां पे आप मिनिमम 50% का प्रॉफिट कमा सकते हो अपने कैपिटल पे, ठीक है। आज मैं आपको डेटा भी बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कैसे ये वर्क हुई थी लास्ट गुरुवार को, और मैं यहाँ पे जो सेटअप आपको जो दिखाने वाला हूँ, आज हम लोग जाएंगे यहाँ पे ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो हम लोग डेटा देखने वाले हैं, डेटा इवेल्युएट करने वाले हैं, मैं आपको स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं। तो हम लोग जाएंगे लास्ट एक्सपायरी पे जो थी यहां पे आप देख सकते हो 18th of August का, ठीक है। तो हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके पीछे जाना पड़ेगा, 18th of August का जो है डेटा यहाँ पे हमारे सामने लाना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए 18th of August का जो डेटा है हमारे सामने आ चुका है। थोड़ा सा मैं चार्ट को मिनिमाइज कर लेता हूं, यहां पे आपको क्लियरली दिख सकता है, ठीक है। अभी आपका जो क्वेश्चन होगा टाइम फ्रेम कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, यहां पे ऊपर देख सकते हैं मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, आपको 5 मिनट्स का ही रखना है, चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। कैंडल्स आपको कौन से रखने हैं दोस्तों, आपको नॉर्मल कैंडल्स यूज करने हैं। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी मेरे लिए हार्ड होते हैं, इतना समझाने के बाद भी आप वही पूछते हैं कि कौन सा कैंडल कौन सा टाइम फ्रेम, तो मैं वीडियो के पहले ही क्लियर करता हूँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम और नॉर्मल कैंडल्स, दूसरा कोई इंडिकेटर्स नहीं लगाना है। तो हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। यहाँ पे देखिए ये जो पहली कैंडल बनी है 9:15 की, ये जैसे फिनिश होती है इसका आप हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने मैं हाई मार्क कर रहा हूँ और जो है लो मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए हाई मैंने मार्क किया और लो मार्क किया। आपको कुछ चेंजेस दिखे नहीं देखे, मैंने जो हाई है वो थोड़ा सा अपसाइड मार्क किया और लो भी है थोड़ा सा डाउनसाइड मार्क किया, 10 पॉइंट का मैंने यहाँ पे बफर रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन्स हमने जो ड्रॉ की है, ये ब्लैक लाइन ऊपर वाली या नीचे वाली, ये ब्लैक लाइन यहाँ पे एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कभी कभी हमें फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं, फॉल्स सपोर्ट ब्रेक होता है, फॉल्स जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, इसे अवॉइड करने के लिए मैंने दोस्तों आपको जो है 10 पॉइंट्स का बफर दिया है। अगर ये 10 पॉइंट्स का बफर दे के भी आपका सपोर्ट ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सही ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए 9:15 के बाद 9:20 ने ब्रेकआउट नहीं दिया, 9:25 ने भी नहीं ब्रेकआउट दिया, 9:30 ने भी नहीं ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट दिया 9:35 के कैंडल ने, तो ये हमारा सही ब्रेकआउट होने वाला है। तो जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे ब्रेकआउट अपसाइड मिला है, तो हम लोग पोजिशन कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग लेंगे कॉल ऑप्शन, ठीक है, उसे सी बोलते हैं, कॉल ऑप्शन हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर यही ब्रेकआउट हमें डाउनसाइड मिलता है तो हम लोग लेंगे पुट ऑप्शन। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो लास्ट एक्सपायरी पे हुआ था अपसाइड हमें ब्रेकआउट मिला था, हम लोग लेंगे कॉल ऑप्शन। लेकिन कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे दोस्तों, ठीक है, कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक हमारे लिए बेहतर रहेगा, इन द मनी वाला, एट द मनी वाला या आउट ऑफ द मनी वाला, ये डिपेंड्स करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितने लॉट के साथ यहाँ पर ये ट्रेड करना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन द मनी या एट द मनी में ही जाइए, क्योंकि आउट द मनी काफी सस्ता होता है लेकिन वहां पे जो मोमेंटम होती है वो काफी कम होती है कंपेयर टू इन द मनी और एट द मनी में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एट द मनी जो होने वाला है, ये देखिए पहली कैंडल पे आपको दिखाई देगा कितना हाई बना है, 39,452, मतलब 39,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमारे लिए होने वाला है एट द मनी। आप चाहो तो इन द मनी वाला भी ले सकते हो जो होने वाला है 39,300, और आउट ऑफ द मनी होएगा 39,500 या 600, डिपेंड्स आप कहां तक देखते हो मार्केट जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एट द मनी को बाई कीजिए, ठीक है। तो यहां पे
इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग जाएंगे एक वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको ये जो है सारा बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। उस वेबसाइट का नाम है स्टॉक मॉक करके, तो इस पे मैं आऊंगा। अभी मैं यहाँ पे स्टिमुलेटर में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। वो जो एक्सपायरी होने वाली है वो है 18th of August, ठीक है। 18th of August का जो एक्सपायरी है मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने 18th of August की जो है एक्सपायरी ले ली है। कौन सा कॉल ऑप्शन लेने वाले थे दोस्तों? हम लोग लेने वाले थे 39,400 का कॉल ऑप्शन, कितने बजे? 9:35 के आसपास, ठीक है। 9:35 के आसपास हम लोग लेंगे 39,400 का कॉल ऑप्शन। 9:35 से हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 9:35 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और कॉल ऑप्शन कौन सा था? 39,400, ठीक है। तो 39,400 की प्राइस थी वहाँ पे लगभग 112 रुपया, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ 4 लॉट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट एग्जांपल 4 लॉट के साथ मैंने बाई किया। यहाँ पे 39,400 का कॉल ऑप्शन हमें मिलेगा लगभग 11,200 के आसपास, ठीक है, 11,200। तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के बाद आगे जाएंगे, क्योंकि अभी 11,000 का जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है हमारी, ठीक है, 11,200, ठीक है, इसका हम लोग 50% निकालेंगे, तो लगभग 6,000 का है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 6,000 का जो है हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आपको क्लियर आना चाहिए कि आपका अभी हम लोग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन टारगेट कितना सेट करना है, स्टॉप लॉस कितना सेट करना है, मैंने आपको 50% बताया आपके कैपिटल पे, ठीक है। आप अगर 50,000 का कैपिटल लगाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 5 लॉट करूंगा या 10 लॉट करूंगा, तो देखिए 10 लॉट में मेरा जो कैपिटल है वो 28,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 50,000 करने के लिए मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जो है 18 लॉट लेने पड़ेंगे, तो लगभग जो है मेरे 50,000 हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना ट्रेड नहीं करूंगा, इतना मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं सिर्फ 4 लॉट के साथ ही जाने वाला हूँ, ठीक है। तो 4 लॉट के साथ मेरे जो मार्जिन मुझे लगेगा, या आप बोलोगे कैपिटल लगेगा, वो लगेगा 11,000 के आसपास, और मैं 6,000 के प्रॉफिट या स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 5,000 का प्रॉफिट अगले 5 मिनट में हमें हो चुका है, कितना? 5,000 का प्रॉफिट। आगे जैसे और बढ़ेंगे, ये देखिए 5,000 का ऑफिस से वही प्रॉफिट है। ये देखिए 8,500 का प्रॉफिट, वो विद इन 15 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 15 मिनट्स में हमें जो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है दोस्तों। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं विद मैक्सिमम जो है आप पॉइंट्स यहाँ पे कमा सकते हो, वो होने वाले 100 पॉइंट्स। मतलब जितने आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतना आप निकाल पाओगे तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 50% के टारगेट के बाद आप एग्जिट ले लीजिए, एक तो स्टॉप लॉस या टारगेट। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता तो अच्छी बात है, आप रुक सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी डेट दोस्तों प्रॉफिट देखिए यहाँ पे देखिए आपका 100% के ऊपर भी चला गया है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, लेकिन आपको नहीं आता है, आप मार्केट में नए हो, बिगिनर हो, तो 50% के प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट ले लो, मैं आपको यही सलाह देने वाला हूँ। देखिए बैक टेस्ट की भी मैंने बताया, आप चाहो तो जो पिछले भी कितने भी एक्सपायरी हुए है ये मंथ में जाके चेक कीजिए। ये देखिए 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, और अभी आने वाली है कल की एक्सपायरी। तो आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो जाके कर सकते हैं बैक टेस्ट, और देख सकते हैं कि कितनी बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितनी बार आपको जो है लॉस हुआ है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाके लिखिए, तभी मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपने जो वीडियो है वो पूरा देखा। और वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल विथ सम न्यू स्ट्रैटेजीज। जय हिंद।